चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पहेली आपकी ये है, एक हाथी तालाब में गिर गया, अब वो कैसे निकलेगा। आपके पास इस जवाब के लिए है 10 सेकंड्स, तो सोचिए अगर आप अपने आप को इतना जीनियस मानते हैं और मुझे इसका आंसर दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जवाब है गीला होकर। एक हाथी जो तालाब में गिर गया वो अब गीला होकर तो निकलेगा ना, तो इसका जवाब हुआ गीला होकर। नेक्स्ट पहेली मैं आपसे पूछती हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसको बहुत खराब माना जाता है फिर भी लोग उसे पीने की सलाह देते हैं, वो क्या चीज है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। वो है गुस्सा, जो बहुत खराब माना जाता है और फिर भी लोग उसे पीने की सलाह देते हैं। अब आपसे मैं पूछूंगी नेक्स्ट पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो पढ़ने और लिखने दोनों में काम आती है लेकिन वे पेन भी नहीं है और कागज भी नहीं है। आपके पास इस जवाब के लिए है 20 सेकंड्स, तो जल्दी से डिसाइड करिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। इसका नाम है चश्मा। चश्मा ही एक ऐसी चीज है जो पढ़ने और लिखने दोनों में काम आती है लेकिन ना वो पेन है और ना ही कागज। तो देखा आपने कितना ही इसका आसान जवाब था। नेक्स्ट पहेली है, वो कौन है जो आपका माल भी रख लेता है और आपसे पैसे भी लेता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सोचा आप लोगों ने ऐसी क्या चीज हो सकती है जो आपका माल भी रख लेता है और आपसे पैसे भी ले लेता है, वो है नाई। जी हाँ, तो देखा आपने कितना ही आसान आंसर था इसका। अब आपसे मैं पूछूंगी अगली पहेली, ऐसा कौन सा रूम है जिसमें ना कोई खिड़की है ना ही कोई दरवाजा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। मैं इसका आंसर देती हूँ मशरूम। मशरूम एक ऐसा सब्जी है जिसकी ना कोई खिड़की होती है और ना ही कोई दरवाजा। तो देखा आपने कितना ही आसान जवाब था। तो प्लीज अब देरी मत कीजिए, अगर आपको वीडियो मेरा इतना अच्छा लगा है, इतना ज्यादा पसंद करे, उसको बहुत सारा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।